बक्सर नगर परिषद चेयरमैन के खिलाफ अब मोर्चा खुल गया है। बताते चले कि वार्ड नंबर 16 की वार्ड पार्षद सपना कुमारी के द्वारा चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव नगर एवं आवास विभाग बिहार के साथ जिला अधिकारी को लिखित आवेदन के माध्यम से शिकायत की गई है। कहा गया है कि बक्सर नगर परिषद के किसी भी वार्ड में काम हो रहा है तो वहां के जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। जब जनप्रतिनिधि इसके बारे में पूछने का प्रयास करते हैं तो उन्हें बातों में बहला दिया जाता है। बहरहाल इसको लेकर के विजय राजभर के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में हो रहे कार्य में गुणवत्ता को लेकर के कई सवाल चेयरमैन से पूछा गया है। वहीं अभी कहा गया है कि अगर अपनी रवैया पर सुधार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ छठ महापर्व के बाद नगर परिषद के गेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। और क्या कुछ बातें उनके द्वारा कही गई है वह बातें हम आपको सुना रहे हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, काम के सिलसिले मान लीजिए कोई भी काम हो रहा है उसमें हमको पछाड़ दे रहे हैं या हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी आपको ज्ञात होगा कि आपको भी समझ में आना चाहिए कि अब कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं हम। अभी हमारे वार्ड में ही हमारे घर के नीचे सती घाट पड़ता है, वहाँ 42 लाख रुपया का टेंडर का काम चल रहा है जो कि हमारे जानकारी में नहीं है। न को हमको ये बताया गया काम लगने वाला है, न ये बताया गया कि यहाँ पर काम लागू है या कितना का है। आके देखिए, दूसरे किसी से पूछवाने पर वो बोले कि हम चेयरमैन प्रतिनिधि है, चेयरमैन है, हमारा हक है, अधिकार है, हम कहीं भी काम करा सकते हैं, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। हम उसके बाद भी अपना शांत रहे लेकिन हम अपना बात जनता के साथ रखे, आप समझ रखे। देखिए आप देख ही रहे, जितने लोग हैं सब हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो चाचा स्वरूप है, जनता है, न कि हम अकेले हैं, पर प्रतिनिधि हैं हम, लेकिन सब जनता के बीच में है, सब जनता के साथ है, सब लोगों का ही हमारा साथ है ना। लेकिन उनका कंटिन्यू ये लगातार रवैया जारी रह रहा है। क्या मांगे हैं आपके? मांग है कि हमको जानकारी दिया नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा। उसके बाद अगर आगे ऐसे भी उनका कार्य चलता रहा, ऐसे ही उनका जलनशीलता हमसे बरकरार रहा तो हम छठ महापर्व बीत जाने के बाद हम लोग जाकर और नगर परिषद के गेट पर आमरण अनशन करेंगे। सत्ती घाट में हमको कुछ नहीं बताया गया, एक पुलिया का काम दिया गया था, वो पुलिया मतलब 2-4 लाख रुपया का जितना भी हो गया, 42 लाख रुपया काम चल रहा है, ना हमको बताया नहीं गया, ना हमारे कान में डाला गया कि क्या चीज़ का काम हो रहा है। उसके बाद भी जो पुलिया है बीच बीच में जो हमारे वार्ड में जितना भी क्षेत्र पड़ता है वो क्या बोलते हैं बक्सू शहीद बाबा गली विश्वकर्मा पथ और उसके बाद मौनी बाबा घाट है, बंगला घाट है, गोला घाट है, ये बीच बीच में पोल तोड़ने का भी काम ही लोग बोले कि लगेगा, लेकिन हमको कुछ अभी तक जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल में 42 लाख रुपया का काम चल रहा है। कितना काम ऐसे है जो आपके बिना जानकारी का हो रहा है? अभी तो ये पहला शुरू हुआ, लेबर वाला जो काम है और जो सफाई का हम मनमानी कर रहे हैं तो तक बहुत बरसों से चल रहा है, 2 बरसों से चल रहा है। क्या बोलते हैं कि अभी तक हमारे वार्ड में ट्रैक्टर अभी भी नहीं आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय राजभर। कार्य में गुणवत्ता है कि नहीं आपने देखा? कार्य हो रहा है, हमको बुलाया नहीं जा रहा है, संतुष्टजनक काम भी नहीं हो रहा है, हम जाकर उसको छुपे छुपे देखे थे।